डिडवाना में आयोजित किए गए डिजिटल बाल मेले में नवचारी अभियान में मैं भी बाल सरपंच की आधिकारिक शुरुआत नागौर के बरांगना से शुरू हुई। इस अवसर पर एक बाल पंचायत का आयोजन भी किया गया, जिसमें लाइव वोटिंग के माध्यम से बरांगना से बाल सरपंच, बाल उप सरपंच और बाल पंच को चुना गया। यह यूनिसेफ और डिजिटल बाल मेले के तहत शुरू किए गए अभियान के तहत चुना गया पहला बाल सरपंच है। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में बरांगना सरपंच हनुमान चौधरी ने कहा कि इस बाल पंचायत में चुना गया बाल सरपंच उनके साथ ग्राम सभाओं में उपस्थित रहेगा, साथ ही बाल सरपंच तक बच्चों से जुड़ी समस्याओं को उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती से शुरू की गई बाल पंचायत में करीब 250 बच्चों ने हिस्सा लिया। इनमें बच्चों ने बाल सरपंच के लिए अपनी दावेदारी पेश करते हुए बताया कि अगर वे सरपंच बनते हैं तो अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान और विकास कार्यों के लिए किस तरह काम करते। पंचायत में मौजूद सभी बच्चों को अपने पसंदीदा दावेदार के लिए लाइव वोटिंग करने का मौका भी दिया गया। इन वोटों की गिनती पूरी होने के बाद बरांगना से बाल सरपंच चुन लिया गया है। सबसे ज्यादा 73 वोटों के साथ युवराज स्वामी को बरांगना से बाल सरपंच चुना गया है। इस बाल सरपंच को डिजिटल बाल मेले द्वारा आयोजित किए जाने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इस वोटिंग प्रक्रिया में दूसरे नंबर पर 60 वोटों के साथ योगेंद्र मोमपुरिया और 33 वोटों के साथ अरविंद कसवा तीसरे स्थान पर रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह चुने गए बच्चे अपने गांव में बच्चों की सशक्त आवाज बनेंगे और उनकी दिक्कतों को सरपंच और अधिकारियों के सामने रखने का काम करेंगे।